नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गर्मियों में आपका इन्वर्टर अगर फुल चार्ज होने के बाद भी ऐसे रेड लाइट दिखाता है तो हम आपको दो तीन टिप्स बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो यह रेड लाइट नहीं दिखाएगा और आपका इन्वर्टर बिल्कुल सही चलेगा। किसी भी मैकेनिक को बुलाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप फॉलो करिए उन टिप्स को, दो तीन टिप्स हम बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप क्या है, आपको देख लेना है कि इनका पानी जो है, इन्वर्टर का पानी जो है वो कम तो नहीं है। देखिए ये आधे पे है, इसका मतलब पानी कम है। कभी कभी यह रेड बटन पूरा फुल दिखाता है पर फिर भी पानी कम होता है, इसलिए आपको पानी डाल देना है। पानी के लिए एक हरी सी ऐसी बोतल आती है और आपको एक मग का उपयोग करना है और इन सभी में आपको पानी डाल देना है। इन्वर्टर का पानी, कोई आरओ का पानी नहीं, आपको इन्वर्टर का पानी डालना है। तेजाब बिल्कुल ना डालें, भले ही ये फुल हो आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, ठीक है। दूसरी टिप क्या है, दूसरा आपको देखना है कि ये जो तार है यहाँ कार्बन तो नहीं आया हुआ है। अगर यहाँ कार्बन आया हुआ है तो आप कार्बन को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, जो इन तार के आसपास कार्बन हो, इन दोनों तारों के आसपास कार्बन को साफ कर लीजिए। इन तारों को पैच को खोल लीजिए, खोलने के बाद इनको अच्छे तरीके से साफ करके दोबारा से लगा लीजिए। फिर आपका क्या है, अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका बैटरा ठीक चलेगा। देखिए हम आपको पानी भी दिखाते हैं, आपको पानी इतना लेना है और आपको इन सब में पानी को डाल देना है। इससे अगर आपके बैटरी में कोई प्रॉब्लम होगी तो बैटरा सुचारू रूप से काफ़ी चलेगा। कार्बन साफ करना है आपको और पानी डालना है, दो काम आपको करने हैं। देखिए आपको पानी ऐसे डालना है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ये दो टिप तो हो गई बैटरी की, पानी डालना इन्वर्टर का और कार्बन को साफ करना तारों के। तीसरी टिप जो हम आपको बता रहे हैं वो है इन्वर्टर का। आपको इन्वर्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि ये जो दो तार हैं यहाँ पर तो कार्बन नहीं है। अगर यहाँ पर भी कार्बन है तो आप पैच खोल लीजिए बेफिक्र होकर, और आप टेस्टर से पहले टेस्ट कर सकते हैं अगर कोई तार करंट में तो नहीं है। देखिए करंट में नहीं है, आप इनको पैच खोलिए और यहाँ का भी कार्बन आप साफ कर लीजिए। एक तार बीच में है, आप इसका भी कार्बन साफ कर लीजिए। तीसरी टिप है कि आपको इन्वर्टर के इन तारों को कार्बन साफ करना है। चौथा आपको क्या टिप फॉलो करनी है, चौथा टिप ये है कि ये देखिए आप, आपको एक तार यहाँ दिखाई देगा जो कि बिल्कुल छोटा सा है। आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका इन्वर्टर ठीक चल। चलिए देखिए आपको ये पैंच दिखाई दे रहा होगा जहाँ हमने ये पैंच लगाया है, देखिए इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये जो बारीक सा पैंच है, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये रेड लाइट चली जाएगी ऑटोमेटिक ही। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये आपकी चौथी टिप थी। अब पांचवी टिप क्या है, आपको ये देख लेना है ये कट ऑफ का बटन आपका ठीक चल रहा है क्या। ये पांच टिप्स हैं। पहला, दो टिप हमने बैटरी की बताई है, बैटरी का पानी चेक कर लीजिए और कार्बन चेक कर लीजिए। ट्रिक फॉलो कर लिए तो अब आप देख सकते हैं अब ये ठीक चल रहा है। पांच ट्रिक फॉलो करने के बाद अब आपका इन्वर्टर ठीक चल रहा है। दो ट्रिक हमने बताई थी आपको बैटरी की और तीन ट्रिक हमने बताई थी आपको इन्वर्टर की। तो आप देख सकते हैं अब यह बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आप भी इन ट्रिक को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय